हाय फ्रेंड, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, आज हम वोल्टेज के बारे में जानेंगे। और फ्रेंड, वोल्टेज को समझने से पहले हमें करंट के बारे में समझना होगा कि करंट क्या होता है। करंट मतलब आई। ठीक है फ्रेंड, हम बता दें आपको कि वोल्टेज को हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वी से अगर हम पूरे वीडियो में आपको वी अगर जहाँ पे लिखें तो वो समझ लीजिएगा वोल्टेज की बातें कर रहे हैं, और हम जहाँ पे आई लिखे वहाँ पे करंट की बातें कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वोल्टेज को समझने से पहले हमको करंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर करंट को हम समझ लेते हैं तो वोल्टेज को समझना हमें आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम सबसे पहले करंट को समझते हैं, करंट क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड कि जैसे मेरा एक स्केच है, स्केच को हम इसके एक एक पार्ट्स को हम इतना तोड़े कि इसका बस इतना इतना बड़ा पार्ट्स बचे, तब पर भी उसमें हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तीनों चीज़ अवेलेबल होते हैं। तो उसी प्रकार से जो जब कोई कंडक्टर, एक जैसे मान लेते हैं एक वायर हो गया, ठीक है, ये वायर कंडक्टर कब होगा, जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। ठीक है, ये तो कंडक्टर नहीं बन सकता क्योंकि ये कुचालक है, मतलब नॉन कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर तो बन नहीं सकता। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है इसलिए ये नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये अगर वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें एक ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हम करंट को आपको सब बता रहे हैं कि करंट क्या होता है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब ये मूव करेंगे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, जैसे किसी सर्किट में प्रवाहित होंगे, जैसा कि हम नहीं बोलते हैं कि करंट मार दिया, करंट चल रहा है, करंट लग जाएगा, तो करंट ही चलता है, कोई और नहीं चलता, करंट ही चलता है। करंट ये एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसा कि हम करंट की परिभाषा बताएं तो इलेक्ट्रॉन तथा आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा मतलब करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये प्रवाहित जब होते हैं किसी सर्किट में से, किसी एक सर्किट में से, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव से, पॉजिटिव से गए, निगेटिव से आए, इस प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से एक तरफ प्रवाहित होते हैं, तो ये जो एक तरफ से एक तरफ जाते हैं वो कितनी मात्रा में जा रहे हैं उसी को हम आई मतलब करंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के दर को हम करंट कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम ये समझ लिए, तो अब ये बात यहाँ पे ये फंसती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स तो अपने आप जाएंगे नहीं, अगर अपने आप जाते तो हम कोई भी वायर जोड़ते और सीधा इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होने लगते क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को जो प्रवाहित कराने के लिए हमें जो जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान दूसरे स्थान पर प्रवाहित करने के लिए, एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक एनर्जी दिया वोल्टेज, और यहाँ पे हम एक मतलब इसको एनर्जी देते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है, इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सर्किट में प्रवाहित होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगते हैं तो उसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है, जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो मेरे सर्किट ऑन हो जाते हैं, सर्किट चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से वोल्टेज जो होता है वो बस इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का काम करता है। कि वोल्टेज को हम तीन नामों से जानते हैं, ठीक है, पहला नाम है, पहले तो वोल्टेज को हम वोल्टेज के जानते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से जानते हैं, और तीसरा होता है विभवांतर, ठीक है, तीसरा नंबर होता है विभवांतर, ठीक है, विभव में अंतर, जैसा कि विभव में अंतर हम आपको समझाते हैं कि विभवांतर, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बैटरी हो गई, ठीक है, ये हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया निगेटिव। ठीक है, हम जहाँ तक जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दो होते हैं, दो टर्मिनल पॉइंट होते हैं, बैटरी में हो और अगर एसी सप्लाई में होता है तो फेज न्यूट्रल होता है। तो हम ये कहते हैं कि फेज का जो सप्लाई होता है, फेज में जो होता है उसमें वोल्टेज होता है, लेकिन ये जो न्यूट्रल होता है या माइनस होता है उसमें जीरो वोल्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही मापता है वोल्टेज, वोल्ट मीटर, और यही बताता है विभवांतर, इसे ही कहते हैं विभव में अंतर। दो विभवों के अंतर को जो मापता है उसे विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर वही होता है जो वोल्टेज होता है। ठीक है, तो वोल्टेज, विभवांतर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से वोल्टेज हुआ। और अगर हम समझे, जैसे कि हम आपको दूसरी भाषा में समझाते हैं कि वोल्टेज किसे कहते हैं, जैसे कि हो गया, जैसे मानते हैं कि ये आपने कचरा उठाने वाली जो देखे होंगे नगरों में, ये जो ट्राली आती है और एक आदमी यहाँ पे, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे इसको
उठाता है, ठीक है, इसको जब ट्राली में आगे भरता है कचड़ा और इसको धक्का देता है, जब इसको धक्का देता है तो ये ट्राली आगे बढ़ती है, ठीक है, ये ट्राली आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम समझते हैं कि ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हो गया वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, आदमी क्या कर रहा है, इस ट्राली को धक्का दे रहा है और ये ट्राली आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो यही काम वोल्टेज का होता है कि वो ट्राली को धक्का देता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है और वो आगे बढ़ती है और आगे का काम करती है, ठीक है। इस प्रकार से हम वोल्टेज को समझ